हेलो बच्चों, वेलकम टू पीएसपी क्लासेस। इन द लास्ट वीडियो हमने क्या देखा था, लास्ट वीडियो में हमने किनेमेटिक्स स्टार्ट किया था और हमने स्टडी किया था कि आपका रेस्ट और मोशन क्या होता है। देन वी आल्सो टॉक अबाउट कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है एंड स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर नंबर 10 में आप पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स जो आ सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। एंड देन हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन एंड उसके बाद हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन तब होता है व्हेनेवर योर वेलोसिटी चेंजेस। समय के साथ अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। तो हम एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन इज the rate of change of velocity, ठीक है? With time जो velocity आपकी change होती है उसको बोलते हैं हम acceleration, और इसको हम denote करते हैं a से with a vector sign। और ये आपकी क्या है, this ये आपकी vector quantity है और इसकी SI unit is meter per second। So it is your vector quantity और इसकी जो SI unit है That is meter second raised to power minus 2। अब हमें पता है कि जब acceleration होती है तो हम कहते हैं कि velocity change हो रही है। अब velocity को change करने से कैसे change कर सकते हैं? तो वो example लेते हैं। How we can change velocity? Okay? क्योंकि acceleration अगर produce करना है तो velocity तो change करनी पड़ेगी। अब वो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले वेलोसिटी, आपको पता है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर को अगर मुझे चेंज करना है, या तो मैं उसका केवल मैग्नीट्यूड चेंज कर दूं, या मैं उसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं, या मैं दोनों मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों को चेंज कर दूं। तो वेलोसिटी को चेंज करने का सबसे पहले, सपोज अगर हम चेंज करना चाहते हैं, हम उसका केवल मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा हूं तो सपोज इसमें कौन सा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आपने इसको फ्री फॉल करा दिया और ये एक्सेलरेट कर रहा है। तो पहले इसकी वेलोसिटी जीरो थी, फिर बढ़ जाती है बिकॉज इस पर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इसकी, दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहां पर आप कह सकते हैं अ बॉल जो इनिशियली जीरो उसकी वेलोसिटी थी वो फॉल कर रही है और नीचे जाकर उसकी वेलोसिटी भी हो जाती है। सो देयर इज अ चेंज। तो यू कैन से free fall under gravity। तो इस केस में आप केवल मैग्नीट्यूड आपका चेंज हो रहा है, वेलोसिटी आपकी ओके। तो दूसरा केस हम क्या ले सकते हैं? दूसरा आप देखो, इस केस में आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। अब दूसरा केस हम ले रहे हैं बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, बाय चेंजिंग डायरेक्शन। अब डायरेक्शन चेंज करना है, अब डायरेक्शन कैसे चेंज करें? वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको चेंज करनी है तो उसको देखो, आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखो बच्चों। आप आगे हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि आपका कोई पार्टिकल है विच इज मूविंग इन अ सर्कल, वो सर्कल में मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, बट इन ऑर्डर टू मूव इन अ सर्कल एक फोर्स चाहिए और एक एक्सेलरेशन चाहिए, दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है? तो इस केस में एक्सेलरेशन होती है टुवर्ड्स द सेंटर और पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। मतलब यहां पर स्पीड सेम रहेगी, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अगर यहां पर बात करें, यहां पर वेलोसिटी ये है, यहां पर वेलोसिटी ये है, यहां पर ये है, उसका मैग्नीट्यूड सेम है पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यहां पर आप डायरेक्शन चेंज कर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है हमारी। तीसरा केस, बाय चेंजिंग मोड।
आप मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहे हैं और डायरेक्शन भी चेंज कर रहे हैं। तो इसमें कैसे हो सकता है, सपोज आपने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया, तो इस केस में क्या होता है, आप देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, अलग अलग पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है और साथ के साथ उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। सो दिस इज, इसमें हम इन तीन तरीके से हम वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। तो अब जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी तो चेंज कर दी हमने, अब जो एक्सेलरेशन है बच्चों, एक्सेलरेशन को हम चार चीजों में कैटेगराइज करते हैं। जैसे हमने स्पीड को कैटेगराइज किया था, हमने वेलोसिटी को कैटेगराइज किया था, उसी तरह से हम एक्सेलरेशन को भी कैटेगराइज कर देते हैं। सबसे पहले तो आप कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड देन वी हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, and then we have average acceleration, और उसके बाद हमारे पास है instantaneous acceleration, ठीक है। तो इस तरह से हम categorize कर सकते हैं बच्चों। uniform का मतलब क्या होता है, when the magnitude as well as direction of acceleration does not change, तो इस case में your acceleration is constant, एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो कभी भी फ्री फॉल की अगर हम बात करते हैं तो उस केस में उस पर्टिकुलर बॉडी में जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज सेम एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो आप कह सकते हैं जो फ्री फॉल है उस केस में आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है और इसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा बच्चों, अगर चाहे या तो उसका मैग्नीट्यूड या उसकी डायरेक्शन या दोनों चेंज हो रही हो, सो आप कह सकते हैं व्हेन एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो उसमें एग्जांपल क्या हो सकता है, गाड़ी है, अगर आप अपने घर से स्कूल की तरफ जा रहे हैं सपोज, ठीक है, स्कूटर पे हैं आप, तो कभी आप अपनी स्पीड बढ़ाते हैं कभी घटाते हैं, तो एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम्स आपकी जो एक्सेलरेशन होती है अलग अलग होती है, तो आपकी वहां पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। सिमिलरली एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज द नेट चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द गिवन टाइम इंटरवल। मतलब सपोज इनिशियल वेलोसिटी v1 थी, फाइनल वेलोसिटी v2 थी और आपको टाइम लगा डेल्टा t, तो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं v2 माइनस v1 divided by say delta t, so that is the net change in the velocity in the given time interval, unke ratio agar le le we will get the average acceleration. Ab instantaneous acceleration kya hai bachcho, it is the limiting case of average acceleration. To is case mein agar main delta t ko reduce kar dun to mujhe jo milega that will be a instantaneous acceleration. To yahan par aap dikha sakte hain ki agar ye आपका t है और ये आपका v है और सपोज आपकी वेलोसिटी कुछ इस तरह से वेरी कर रही है, ये दो पॉइंट मैंने लिए, यहाँ पर वेलोसिटी आपकी है सपोज v1 और यहाँ पर आपकी वेलोसिटी है v2 और यहाँ पर अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ एंड दिस इज योर डेल्टा t एंड दिस इज योर v2 माइनस v1, तो अब हम क्या करेंगे, अगर मैं डेल्टा टी को रिड्यूस करूंगा तो क्या होगा, दिस सीकेंट विल बिकम टेंजेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट पी। तो अगर मैं इसको कम कर देता हूं, सपोज मैंने डेल्टा टी को रिड्यूस कर दिया, तो यहां पर तो आपको ये टेंजेंट मिलेगा एट पॉइंट पी, सो दैट विल बिकम योर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो आप कह सकते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है दैट इज लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो एंड हियर वी कैन राइट योर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। सो इट विल बिकम डीवी बाय डीटी। सो अगर आपको वेलोसिटी दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इस तरह से अगर मैं आपको दे देता हूं वी
is equals to 2t, say I cap. So your instantaneous velocity will become dv by dt 2i cap. इस तरह से आप कर सकते हैं with the proper units of it. आपको दिखाना पड़ेगा. तो इस तरह से we can categorize acceleration into four different types. ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं थोड़े से इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं कि मोशन्स. ये तो हमने बात कर ली यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है. यूनिफॉर्म मोशन आपको पता है कि जब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वो हमको पता चल गया है. अब यहाँ पर एक टर्म और आती है जिससे क्वेश्चन बनता है कि आपका द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड में डिफरेंस क्या है. सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम ऐसे दिखा देते हैं डीवी बाय डीटी. सो दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. और आपका द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को हम दिखा देते हैं डी वी का मॉडुलस डिवाइडेड बाय डी. तो ये बता रहा है कि वी का जो मॉडुलस होता है बच्चों, अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेते हैं उसका अगर हम मॉडुलस ले लेते हैं उसका, जब अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो मैग्नीट्यूड कहलाता है स्पीड. सो इन दोनों में ये दोनों चीजें हमेशा बराबर नहीं होती है. कैसे बराबर होगी? पहली बात तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये ऑटोमेटिकली ये वेक्टर आएगा. यहाँ पर आपका स्केलर आ रहा है, पहली बात तो ये डिफरेंस है. तो सपोज मैं केस ले रहा हूं, केस नंबर वन, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है मूविंग इन वन डी विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन. तो अपने डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, वो वन डी में मूव कर रहा है, तो आप कह सकते हैं उसकी जो वेलोसिटी है दैट विल बी वी मैग्नीट्यूड टाइम सम यूनिट वेक्टर इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन. और यहां पर मैं आई कैप भी लगा सकता हूं. सपोज वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो यहां पर मैंने आई कैप लगा दिया. अब यहां पर जो dv by dt होगा दैट विल बी सेम एज d by dt ऑफ v आई कैप. तो यहां पे आप कह सकते हैं इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड, हाँ तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड लगा दिया और आप सीधा इसको हटा भी सकते हैं बिकॉज़ इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो यहाँ पर द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज सेम एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. तो यहाँ पे दिमाग में रखना कि जब भी ऑब्जेक्ट 1D में है और वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है और अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा तो ये क्वांटिटी वैलिड होती है. अब मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ. सपोज ये वॉल है, दिस इज अ वॉल और यहां से एक बॉल आती है. ठीक है, ये बॉल आई, इसने इसको हिट किया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी मान लेते हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी u i cap. सो दैट इज द वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन. और उसके बाद हिट करने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है माइनस u i cap. मान लेते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, जो कोलिजन में आगे बढ़ने वाले हैं. तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ और बॉल ने बॉल को हिट किया और हिट करने के बाद उसकी वेलोसिटी रिवर्स हो गई और उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है. तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है बट डायरेक्शन रिवर्स हो गया. तो बच्चों यहाँ पर मान लो कि जो ये इंटरेक्शन हुआ बॉल के साथ बॉल का वो था डेल्टा टी टाइम के लिए. तो अगर मैं यहाँ पर निकालू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो यहाँ पर क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ. यू फाइनल कितना है हमारा, माइनस यू आई कैप. यू इनिशियल कितना है, यू आई कैप. सो इट विल अपॉन डेल्टा टी. सो इट कम्स आउट टू बी माइनस टू यू आई कैप अपॉन डेल्टा टी. ओके, बट अगर मैं बात करूं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, अब स्पीड क्या है, पहले स्पीड कितनी है यू, स्पीड कितनी है आपकी यू, फाइनल स्पीड कितनी है आपकी u. तो अगर हम बात करें रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड दैट विल बी u माइनस u डिवाइडेड बाय डेल्टा t. सो इट कम्स आउट टू बी जीरो. तो आप देख सकते हैं कि dv बाय dt इस केस में है आपका माइनस 2u i कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा t और आपका d द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ये आपका है जीरो. So, ये कब बराबर होते हैं, ये बराबर तब होते हैं when the motion is in 1D and the particle does not change its direction. अलग कब हो सकते हैं, when the particle changes its direction. तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं. अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वो हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ जो कि पूछे जा सकते हैं किनेमैटिक्स में.
सो ग्राफ में आप सभी को स्लोप के बारे में तो पता है, तो अब हम देखते हैं कि स्लोप ट्रेंड का मतलब क्या होता है, कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ दिया हुआ है तो उसमें स्लोप का ट्रेंड क्या है, वो स्लोप इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है, तो वो देखते हैं। तो हमें स्लोप पता है तो हम स्लोप ट्रेंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपको कुछ इस तरह से ग्राफ दिया जा सकता है, तो ये आपको दिया हुआ है और आपको ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से ऊपर को राइज कर रहा है। तो यहां पर अगर आप स्लोप को देखें, मैं अगर ये पॉइंट लेता हूं और ये पॉइंट लेता हूं, तो यहां पर अगर एंगल थीटा वन है और यहां पर अगर एंगल थीटा टू है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो थीटा टू है दैट इज ग्रेटर देन थीटा वन। सो थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन और दोनों एक्यूट है, तो इसका मतलब टेन थीटा टू विल बी ग्रेटर देन टेन थीटा वन। सो वी कैन से स्लोप ऑफ टेंजेंट टू इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ टेंजेंट वन, तो इसका मतलब आपकी स्लोप जो है इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर जो एम है वो इंक्रीज हो रहा है, ये क्लियर हो। सो एम इज इंक्रीजिंग। अगर हम सेम कंसेप्ट लगाएं, अगर आपको ग्राफ कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ओके, तो इस केस में अगर मैं दो पॉइंट्स लेता हूं, यहां पर एंगल आपका थीटा वन है और यहां पर आपका एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज थीटा टू, तो आप देख सकते हैं यहां पर जो थीटा टू है दैट इज लेस देन थीटा वन, इसका मतलब tan theta 2 is less than tan theta 1 and m2 is less than m1, तो आपकी जो स्लोप है यहां पर डिक्रीज हो रही है, तो स्लोप इज डिक्रीजिंग, ओके। अब इसकी एप्लीकेशन देखेंगे कहां पर आता है इसको, इसका फायदा क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा। और अगर मैं आपको दे दूं तो ये हमको समझ आ गया। तो अगर आपको दिया हुआ है इस तरह से, ओके, तो यहां पर अगर हम देखें थीटा वन यहां पर जीरो और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो थीटा टू एंगल बना रही है, ओके। तो यहां पर आपका क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है, यहां पर जीरो है और यहां पर आपका एक्यूट एंगल है, तो आप कह सकते हैं कि यहां पर इसको नाम दे देते हैं, इसकी स्लोप है आपकी से m1, इसकी स्लोप है से इसकी m2 है, इसको थीटा 3 लिख देते हैं, इसकी स्लोप कितनी है m3 है। तो यहां पर योर m3 इज ग्रेटर देन m2 इज ग्रेटर देन m1, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर tan थीटा ये tan थीटा भी नेगेटिव, तो tan यहाँ पर जीरो डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर आपका जीरो होगा और यहाँ पर आपका क्या होगा, इट विल बी पॉजिटिव। सो योर स्लोप इज इंक्रीजिंग एज वी मूव इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो स्लोप इंक्रीज कर रही है, तो आप कह सकते हैं m इज इंक्रीजिंग, ओके। नेक्स्ट, अगर ऐसा है तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखेंगे आपका सपोज थीटा वन है यहाँ पर और यहाँ पे स्लोप हम बोल देते हैं एम वन, यहाँ पर एम टू है, इस पर्टिकुलर पॉइंट की अगर बात करें दिस इज थीटा थ्री, सो एंड द स्लोप इज एम थ्री, तो एम वन इज ग्रेटर देन एम टू इज ग्रेटर देन एम थ्री, ये आप देख सकते हैं बिकॉज यहाँ पर ऑब्ल्यूस एंगल है, तो टेन थीटा, अगर थीटा आपका ऑब्ट्यूस है तो नेगेटिव होगा, तो यहां पर आप कह सकते हैं आपकी स्लोप जो है वो डिक्रीज कर रही है, स्लोप इज डिक्रीजिंग, ठीक है, यहां पे स्लोप डिक्रीज कर रही है। तो इस तरह का ग्राफ आपको समझ आ गया। अब चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है, कुछ इस तरह, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपकी स्लोप इंक्रीज कर रही है और फिर वो डिक्रीज कर रही है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं एम जो है इंक्रीज कर रहा है
और इस वाली रीजन में मैं यहाँ नाम दे देता हूँ ए टू बी जो है स्लोप आपकी इंक्रीज कर रही है, बी टू सी जो एम है वो डिक्रीज कर रहा है। तो आपको बेसिक आइडिया समझ आएगा कि अगर आपको ग्राफ इस तरह से दिया है तो आप कैसे निकाल सकते हैं स्लोप के हिसाब से, ठीक है। तो अब हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। सपोज हमें पोजिशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है इस तरह से, ओके तो ये हमें पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है और यहां पर आपका x है, दिस इज योर टाइम, मैं आप नाम दे देता हूं a से b, b टू c, c टू d, d टू e। तो यहां पर अगर हम स्लोप की बात करें, अगर मैं लेता हूं dx by dt तो आपको पता है कि जो dx by dt है वो आपको स्पीड या वेलोसिटी के बारे में बताएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो स्लोप है वो इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम ऐसे मूव करेंगे तो आपकी स्लोप इंक्रीज कर रही है। कैसे इंक्रीज कर रही है? यहाँ पर आपका एंगल जो है, और यहाँ पर अगर एंगल की बात करें तो यहाँ पे आपका जो है एंगल ज्यादा हो रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल ज्यादा हो रहा है। तो हमें पता है कि जब ऑब्ट्यूस केस में सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आप अपना एंगल बढ़ाते हैं तो स्लोप आपकी इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करते हैं? आपने अगर आपको ग्राफ याद हो तो ग्राफ हमारा क्या था, टेन का ग्राफ क्या था, तो यहां पर क्या कैसे तो आप देख सकते हैं कि 90 से या पाई बाई टू टू पाई जो टेन होता है वो इंक्रीज करता है, अगेन 0 टू 90 में भी इंक्रीज करता है और 90 टू 180 डिग्री में भी इंक्रीज करता है। तो यहां पर स्लोप आपकी है, यहां पर आपका जो ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है और यहां पर जो ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, यहां पर बड़ा है यहां पर छोटा है, तो यहां पर आपकी स्लोप इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या है? dx by dt मतलब स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है। सो इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इसका मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है। तो ए टू बी में जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है। और अगर हम बात करें बी टू सी, तो बी टू सी में आप देखेंगे कि यहां पर जो स्लोप है आपकी अगेन वो इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो यहां पर भी आपकी जो एक्सेलरेशन होगी वो पॉजिटिव होगी। अब यहां पर अगर आप बात करें सी टू डी, आपकी स्लोप डिक्रीज कर रही है तो यहां पर एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। डी टू ई आपकी स्लोप फर्दर डिक्रीज कर रही है, ओके डिक्रीज कर रही है, तो यहां पर लेस देन जीरो, ओके। तो यहाँ पे आपकी जो स्लोप है, आपका जो एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल वो छोटा हो रहा है। तो आपको पता है कि अगर एंगल आपका छोटा होगा तो आपकी वैल्यू और नेगेटिव हो जाएगी, तो वो कम हो जाएगा। तो बिल यहाँ पे वेलोसिटी आपकी डिक्रीज कर रही है, सो यू कैन से योर एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो इस तरह से बच्चों आप ग्राफ को स्टडी कर सकते हैं कब कैसा होगा। तो जैसे अगर मैं ऐसा बनाऊ, से दिस इज एक्स एंड दिस इज टाइम, और ये मेरा ग्राफ है कुछ इस तरह से, तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि सपोज एक गाड़ी का मैंने ग्राफ बनाया है, एक कार है जो कि मूव कर रही है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और ये इस तरह से आपको फंक्शन दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि उसकी जो स्पीड है टेंजेंट, अगर मैं अलग अलग टेंजेंट बनाऊँ तो उसकी टेंजेंट जो स्लोप है वो इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब स्पीड वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो मतलब जो गाड़ी है वो एक्सेलरेट कर रही है, तो ये आपकी एक्सेलरेटेड मोशन है। ओके तो एक और टर्म होती है बच्चों आपकी रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो उस केस में क्या होगा, उसमें ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। सो दिस इज पोजीशन एंड दिस इज टाइम, और यहां पर अगर हम बात करें आपकी जो स्लोप है वो ऑब्ट्यूस एंगल पहले ज्यादा था वो कम हो गया है, तो अब आपकी डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर स्लोप डिक्रीज हो रही है और कह सकते हैं वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर डेसलरेट हो रहा है, रिटार्डेशन है। ओके तो अभी हम और जनरल ग्राफ्स देखते हैं अलग अलग टाइप के मोशंस के, ताकि आपका कंसेप्ट और बिल्डअप हो जाए। ओके अब थोड़ा सा हम पैराबोलिक ग्राफ्स के बारे में स्टडी करते हैं, कितने तरह के बन सकते हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
तो सबसे पहले तो बच्चों जो पैराबोलिक ग्राफ है, अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं, अगर मैं ग्राफ बनाता हूं समथिंग लाइक ओके, तो इसमें आप लिख सकते हैं दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, सो वाई इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट टाइम्स एक्स स्क्वायर, तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं। अगर बच्चों यहां पर मैं मुझे ग्राफ बनाना है y इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कि जो a है वो पॉजिटिव है, और मुझे अगर ग्राफ बनाना है से हमें बनाना है योर y इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस केस में आपका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, बिकॉज y इज ऑलवेज नेगेटिव, तो बिलो x एक्सिस ही आएगा, दिस इज योर वाई एंड दिस इज योर एक्स, तो ये याद रखना है आपने। एक और तरीका हो सकता है, अब यहाँ पर हमारा जो एक्स है वो क्वाड्रेटिक है, आपका वाई भी क्वाड्रेटिक हो सकता है, तो कुछ इस तरह से भी दिया हो सकता है आपको कि जो एक्स है दैट इज ए वाई स्क्वायर, तो इस केस में आपका ग्राफ क्या बनेगा, इस केस में आप देख सकते हैं कि एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो एक्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, नेगेटिव एक्स की वैल्यूज ही नहीं होंगी बिकॉज x क्या है a is positive and y square is always positive, और अगर आपको ग्राफ बनाना है x equals to minus a y square, इसका अगर ग्राफ बनाना है तो आप देख सकते हैं x is always negative, तो इसमें जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का बनेगा, तो ये बेसिक नेचर आपको पता होना चाहिए, अगर इस फॉर्म में है तो ऐसा बनेगा, इस फॉर्म में है तो ये बनेगा, इस फॉर्म में है तो ये बनेगा, ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जिसमें फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर आपको दे देते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है हाफ ए टी स्क्वायर, कुछ इस तरह से आपको दे दिया कि जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज हाफ ए टी स्क्वायर, अब आप देख सकते हैं जो टी है वो क्वाड्रेटिक है, तो इसको आप लिख सकते हैं अगर ये आपका एस है और ये आपका टी है तो इसका जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, ओके, बिकॉज ए अपॉन टू इज अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, तो इस तरह से आप बेसिक ग्राफ्स को स्टडी कर सकते हैं, पैराबोलिक ग्राफ आपने देख लिया और आपकी जो स्लोप ट्रेंड है वो क्या होता है, उससे हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं चीज़ों को वो आपने देख लिया है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, ओके, जब आपकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होती है तो उसमें कुछ इक्वेशंस हैं जो वैलिड होती हैं, तो मैं एक बार वो लिख देता हूँ और फिर हम उसकी थोड़ी सी डेरिवेशन देख लेंगे कैसे आता है वो। तो सपोज अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी है यू, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, v इज योर फाइनल एंड s इज द डिस्प्लेसमेंट, जितना पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट किया, एंड a इज द एक्सेलरेशन, और t जो है कितने समय के लिए पार्टिकल मूव किया है, तो ये चीजें आपको दी हुई हैं, तो आपकी कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, सबसे पहली v is equals to u plus at, second your s equals to ut plus half at square, third v square equals to u square plus 2as, अब इन सभी को डिराइव भी करेंगे, डोंट वरी, fourth जो आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू u plus v by 2, इस केस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का अगर आप एवरेज ले लें दैट विल बी योर एवरेज वेलोसिटी, फिफ्थ योर डिस्प्लेसमेंट विल बी वी एवरेज टाइम्स टाइम, एंड सिक्स डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द nth सेकेंड, ओके, मान लो कि कोई पार्टिकल 10 सेकंड के लिए मूव किया तो जो आखिरी का जो 10th सेकंड था उसमें उसने कितने डिस्प्लेसमेंट करी, उसके लिए आपका है u plus a by 2 2t minus 1 where t is the total time जो उसकी मोशन है, और आप कह सकते हैं जिसके लिए हमको निकालना है, तो अगर हमें 10th सेकंड के लिए निकालना है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो वन बाय वन देखते हैं बच्चों, सबसे पहले देखो मैं इसको, आपको पता है कि जो हमारा dv by dt होता है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है, मान लेते हैं कि मोशन जो है वन डायमेंशन में है तो इसके मैंने वेक्टर साइंस वगैरह को हटा दिया, ओके, तो वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं इसको, dv इज इक्वल्स टू a dt, और इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं
यू से वी, और यहाँ पर टाइम मान लो स्टार्टिंग जीरो से हुआ था, तो टी इक्वल्स टू जीरो से वो टी इक्वल्स टू टी तक गया, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं वी माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। आपको पता है तो दैट इज फॉर फर्स्ट, dx by dt is your v, ये भी आपको पता है। x को चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो displacement। अब यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं ds is equals to v dt, और आपको पता है कि जो v है that is u plus at, तो first से हमने यहाँ पर substitute कर दिया u plus at। अब आप दिख रहा है कि जो ds है और यहां पर आपको dt में दिख रहा है, तो अब अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दें से, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फ्रॉम टाइम है फ्रॉम जीरो टू टी, तो ये बन जाएगा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपली इसको इंटीग्रेट करेंगे, यू विल गेट दिस रिजल्ट। a हमारा कांस्टेंट है याद रखना, और आपको दिया हुआ ये dv by dt equals to a। अब क्या करो आप, लेफ्ट हैंड साइड में ds by ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो ds by ds, तो ये क्या बन जाएगा देखो। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर दो, ds को यहाँ लिख दो, dt को यहाँ लिख दो, सो वी हैव ds upon dt एंड dv upon ds equals to a। अब यहां पर दिस क्वांटिटी इज इक्वल्स टू वी, तो आपको क्या मिलेगा वी डी वी इक्वल्स टू ए डी एस। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड पर आपकी वेलोसिटी है, राइट हैंड साइड पर आपका डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम यू टू वी, और यहां पर आपका फ्रॉम जीरो टू एस आप लिख सकते हैं, सो इट कम्स आउट टू वी। अब इसका v का जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी v स्क्वायर बाय 2, तो यहां पर आपको मिलेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और राइट हैंड साइड में as हो जाएगा, सो इट विल बिकम 2as। सो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन फॉर सेकंड एंड थ्री। तो सो वी हैव तो वी हैव ऑल द थ्री इक्वेशंस। अब अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या है v एवरेज, तो यहाँ पर एवरेज के लिए निकालना है, तो फोर्थ देखो, तो हमको पता है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है दैट इज नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी विल बी योर एस बाय टी, और एस कितना है हमारा यहाँ से देखो यू तो टी से टी से डिवाइड कर दिया, तो हमें मिलेगा यू प्लस हाफ ए टी, एंड द वैल्यू ऑफ टी यू कैन सब्स्टिट्यूट फ्रॉम हेयर। यहाँ पर टी की वैल्यू क्या है v माइनस यू अपॉन ए, तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ v माइनस यू अपॉन ए, तो यहाँ से a कैंसिल, तो व्हाट वी हैव। अब मैं इसको अगर रीअरेंज करूँ मतलब इसको सिंप्लीफाई करूँ तो आई विल गेट u प्लस v बाय 2। तो इस तरह से हमें एवरेज वेलोसिटी मिल गया है। एंड फिफ्थ पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। बच्चों एवरेज वेलोसिटी का कांसेप्ट का मतलब क्या होता है कि आपने चाहे जैसे मर्जी डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट जैसे मर्जी किसी भी वेलोसिटी से कवर करी है, एवरेज वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी होती है जो कि एक यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो अगर आप उसी डिस्टेंस को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कवर करते हैं तो आपको उतनी ही डिस्प्लेसमेंट मिलेगी जो कि एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर आप सीधा स्पीड इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम लगा सकते हैं, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट के लिए। सो सपोज जो SN है, तो पार्टिकल है, सपोज वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है, सपोज उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, स्टार्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया इन टाइम से योर n माइनस वन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने डिस्टेंस कवर किया इन से n सेकेंड्स, तो आपका जो sn होगा दैट विल बी displacement in n seconds minus displacement in n minus 1 second। For example, अगर n आपका 10 है तो displacement in 10 second minus displacement in 10 minus 1 that is 9 second।
तो आपका Sn का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दिस फॉर्मूला Sn = ut + half at square, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, सो दिस क्वांटिटी विल बी ut + t की जगह पर हम n पुट कर देते हैं, half a n square minus u n minus 1 plus half a n minus 1 square. अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, देखो u n plus half a n square minus u n minus u plus half a minus b whole square का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो यहां पे बनेगा आपका n square minus 2 n plus 1. So from here, अगर मैं इसको खोल देता हूँ तो क्या मिलेगा, u n plus half a n square minus u n plus u minus n square by 2 and plus n minus 1 by 2. So that what we'll get. और यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक यहाँ पर a की टर्म भी आएगी, तो यहाँ पर एक a है, तो यहाँ पर एक a आएगा, एक a यहाँ पर आएगा और एक a यहाँ पर आएगा. So this will cancel out with this, और un will cancel out with un. तो हमको क्या मिला, देखो यहाँ पे हमको मिला u plus इसमें से a by 2 common ले लेते हैं, तो a by 2 अगर हमने common लिया इन दोनों में से, so what we have 2n minus 1, so that is your लास्ट इक्वेशन. तो ये छह फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, बिकॉज इन्हीं छह फॉर्मूल से हम अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. आप थोड़े से एग्जांपल करते हैं ताकि आपके ये फॉर्मूलाज अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए. चलो एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, और ये है मोशन अंडर ग्रेविटी. तो मोशन अंडर ग्रेविटी जब भी होगी तो आपने क्या लेना है, एक्सेलरेशन को का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा. फॉर सिंपलिसिटी हम उसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं, क्वेश्चन में गिवन होता है क्या लेना है. तो हम क्वेश्चन अगर बात करें, अगर मैं एक बॉल को थ्रो करता हूँ, एक बॉल को हम थ्रो कर रहे हैं विद इनिशियल स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और हमको निकालना है सबसे पहले मैक्सिमम हाइट अटेंड सेकेंड, टाइम ऑफ फ्लाइट जब तक वो हवा में है कितने समय के लिए वो हवा में होगी, वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट. ओके, तो ये चीजें हमको निकालनी है. तो सबसे पहले तो हम बात करें मैक्सिमम हाइट की, और जो सी है आपका वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट. बच्चों कभी भी जब आप कोई चीज भी थ्रो करते हैं ऊपर, तो वो सबसे ऊपर जाएगी तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है एंड इट बिकम जीरो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट. तो यहां पर ये तो इसका आंसर तो आपको पता ही है कि इट विल बी जीरो. और मैं आपको बोल दिया कि आपको जी लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर जी इज योर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो इस केस में मान लो कि ये यहां तक पहुंचता है, सो दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, यहां तक पहुंचता है एंड दिस हाइट इज h. So, say initial velocity. अब यहाँ पर क्या है, आपकी जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो वेक्टर इक्वेशन है. जो v is equals to u plus at, अगर मैं बात करूँ v is equals to, उसको आप लिख सकते हैं v vector u vector plus a vector into t. सेकेंड इक्वेशन को आप लिख सकते हैं से लिख सकते हैं, और जो थर्ड इक्वेशन है हमारी इसको आप इस तरह से दिखा सकते हैं. तो ये वेक्टर इक्वेशन है. तो मैंने आपको बताया था जब भी मोशन हमारी 1D में होती है तो उस केस में हमें वेक्टर्स के ऊपर वो एरो लगाने की जरूरत नहीं है, हम उनको प्लस माइनस से रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले तो यू हैव टू असाइन कि कौन सी डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लेना है. तो मान लेते हैं
कि जो अपवर्ड डायरेक्शन है हमने उसको पॉजिटिव ले लिया और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसको हमने नेगेटिव ले लिया। तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, इनिशियल वेलोसिटी इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो u हो जाएगा हमारा प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी आपकी जीरो है, उसमें साइन लगाने की जरूरत नहीं है। और तीसरा हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, बच्चों ये डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन विल बी माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है, साइन के साथ आपको वैल्यूज लेनी है। तो ये हमारे पास आ गया है। अब हमें मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम क्या लगा सकते हैं? हमको एक्सेलरेशन पता है, हमको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पता है, तो हम लगा सकते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या थी? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन लगाई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax, वेयर s इज योर हाइट। तो यहां वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज योर 0 स्क्वायर माइनस माइनस 10 स्क्वायर, 2a इज माइनस 10 इंटू s, सो इट इज विल बी योर माइनस 100 डिवाइडेड बाय माइनस 20 इक्वल्स टू s। सो s कम्स आउट टू बी 5 मीटर। अब इसमें एक चीज देखो, आपको जो फाइनल रिजल्ट होगा इट कैन बी प्लस इट कैन बी माइनस। अब यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। सो ये साइन भी बता देता है कि हमारी डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है। सो डिस्प्लेसमेंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन और कितनी 5 मीटर है, तो मैक्सिमम हाइट विल बी 5 मीटर। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है हमें, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप कोई भी इक्वेशन लगा सकते हैं। तो सपोज मैं लगा देता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए वी, बिकॉज मुझे सारी चीजें नोन है। v आपका 0 है, u आपका माइनस 10 है, a आपका माइनस 10 है, सो t विल बी ओके कम्स आउट टू बी कितना हो गया ये, u हमारा कितना था, सॉरी u हमारा प्लस 10 है, u हमारा प्लस 10 है, सो दिस कम्स आउट टू बी 10 अपॉन 10 दैट इज 1 सेकंड। अब इसी में आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल जो हमने थ्रो की है एट 1.5 सेकंड। चलो वो निकालते हैं, हमें इनिशियल तो पता है, तो वेलोसिटी एट 1.5 सेकंड तो निकाल देते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस at, a लगा देते हैं, v कितना है आपका प्लस 10 प्लस माइनस 10 इंटू 1.5, सो इट कम्स आउट टू बी माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आंसर है वो नेगेटिव में आया, इसका मतलब जो बॉल है वो यहाँ से ऊपर गई और उसके बाद 1.5 सेकेंड में वो समवेयर यहाँ कहीं थी और इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी, दैट्स व्हाई दिस नेगेटिव साइन। तो इस तरह से हम ऐसी प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन, जिनको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, किन्हीं भी दो पॉइंट्स में लगा सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको पहले यहां से यहां तक लगाना है फिर यहां से यहां लगाना है, आप डायरेक्टली यहां और यहां के बीच में लगा सकते हैं, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स विद प्रॉपर साइन यू विल गेट द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं फ्रॉम अ बिल्डिंग, ठीक है। सो दिस हाइट इज 100 मीटर, सो 100 मीटर से हमने एक बॉल को थ्रो किया इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद अ स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। तो ये बॉल ऐसे गई और ये यहां पर आकर हिट करती है, ठीक है, तो ऊपर जाती है फिर ग्राउंड को हिट करती है इन सम टाइम टी। नाउ वी हैव टू फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यहां पे मैं निकालना है फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। अगेन आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो मैं अपवर्ड को ले लेता हूँ पॉजिटिव, डाउनवर्ड को ले लेता हूँ नेगेटिव। सो दिस डायरेक्शन इज प्लस, डाउनवर्ड इज नेगेटिव, और मेरा जो ओरिजिन है ये सपोज मेरा ओरिजिन, इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। तो हम लगा रहे हैं हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन बिटवीन ए एंड बी। तो सबसे पहले तो आप देखो कि आपको क्या क्या गिवन है। आपको गिवन है u, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। आपको मैं बोल रहा हूँ कि एक्सेलरेशन आपकी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड दैट इज माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड वी हैव टू फाइंड द टाइम। तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है और मुझे एक्सेलरेशन पता है, तो आई कैन अप्लाई s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केवल टाइम ऐसा है जो मुझे नहीं पता, बाकी सारी चीजें मुझे पता है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या, चलो डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं। यहाँ पे जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है
डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड, यहां से यहां इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है AB, and it is equals to 100, तो यहां पर माइनस 100 आएगा बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड, क्योंकि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरह से नीचे को है, यहां पर तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ पर 100 आ गया, यहाँ पर माइनस प्लस 10 और यहाँ पर हाफ माइनस 10 एंड देन टी स्क्वायर। सो यहाँ से आपको क्या मिला, एक 10 से 10 एलिमिनेट कर दिया, सो यू विल हैव योर माइनस 22t माइनस टी स्क्वायर। नाउ वी हैव अ क्वाड्रेटिक इन टी, so t square minus 2t minus 20, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता है फॉर्मूला लगा दो, minus b plus minus square root of discriminant upon 2a, तो वो लगा लेते हैं minus b, so minus of minus 2 plus minus under root b square, that is 4 minus of b square minus 4ac, that is 1 and then minus 20 divided by 2a, तो ये हमारे पास आ गया, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं that will be 2 plus minus square root of 4 plus 80 divided by 2, so it comes out to be 2 plus minus square root of 84 divided by 2। तो आप इस तरह से, अब आप यहाँ पे नेगेटिव साइन तो ले नहीं सकते, अगर आप यहाँ पे नेगेटिव ले लोगे तो न्यूमरेटर हो जाएगा नेगेटिव, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा टी विल बी 2 प्लस रूट 84 बाई 2, सो दैट विल बी द आंसर। आई होप आपको क्लियर है कि किस तरह से हमें ओरिजिन को सिलेक्ट करना है, किस तरह से हमें डायरेक्शंस देखनी है और कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है, बिकॉज दीज इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो प्रॉपर साइन के साथ ही हमें करना है। अब आगे हम देखते हैं बच्चों कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। सो अब हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यहां पर बच्चों कुछ आपको ऐसा होगा कि आप अपने इक्वेशन ऑफ मोशन को नहीं लगा सकते, सो इक्वेशन ऑफ मोशन जो भी हमने इक्वेशंस पढ़ी हैं आर इनवैलिड इन दिस पर्टिकुलर केस, तो ये इनवैलिड हो गई है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं, जो बेसिक हमको पता है कि जो वेलोसिटी होती है दैट इज dx by dt एंड योर एक्सेलरेशन इज dv by dt, और आप लिख सकते हैं और dv by योर dx इज इक्वल्स टू v और यहाँ पर a, तो ये जो चीजें हैं आप इनको रीअरेंज कर सकते हो इस तरह से, ये रिलेशन तो इन रिलेशंस को आप यूज करोगे अगर आपको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या दिया होता है, हमें एक फंक्शन दिया होता है इस तरह से, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कह दूं कि जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज गिवन एज टी माइनस 2 से होल क्यूब, कुछ इस तरह से दिया है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो आई विल गेट dx / dt, so that will be 3 t minus 2 square, तो यहाँ पर differentiate करती है with respect to time, और ये आपका क्या है, this is your velocity, now velocity is a function of time, तो अगर मैं इसको further differentiate करूँ dv by dt कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पर again आपका जो acceleration आ रहा है, dv by dt is your acceleration and it is again a function of time, 6 t minus 2, so the acceleration is changing as you change the time, तो इसका मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, तो अगर यहाँ पर कांस्टेंट आता तो इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता। तो क्वेश्चन कैसा आएगा आपसे पूछ लेंगे कि ये आपको दे दिया है, फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन द टाइम इज 2 सेकंड, सो दिस इज योर एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन व्हेन टी इज 2 सेकंड, आपने क्या करना है टी की जगह पर 2 पुट कर देना है, और ये चीज मैंने आपको बताई थी जब हमने फंक्शन किया था, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट टी इक्वल्स टू 2 सेकंड, सो इट विल बी 6 2 minus 2, that is 0. तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं अगर आपको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, सपोज मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि पार्टिकल है
और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरह से दी हुई है, और यहां पर आपको मैं से चलो ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया तो अगर आप देखेंगे तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? तो जब आप इसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट एक्सेलरेशन एज कांस्टेंट। तो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बताइए कि जो पार्टिकल है उसने 4 सेकंड में, फर्स्ट 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 4 सेकंड्स, ये निकालना है। ओके, तो अब आप कह सकते हैं कि मैं यहां पर टी को 4 फुट कर दूं तो मुझे पोजीशन मिल जाएगी, टी को 0 फुट कर दूं तो मुझे एक और पोजीशन मिल जाएगी, उनका डिफरेंस ले लेंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, बट वो गलत है। तो आपने देखना है कि पहले 4 सेकंड में क्या पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो डायरेक्शन चेंज करने का मतलब है क्या उसकी वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर 0 होती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर वेलोसिटी निकालेंगे। तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप करोगे dx by dt, और ये क्या हो जाएगा 2 times t minus 2। तो आप देख सकते हैं कि जब t आपका 2 होगा उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी 0 होती है, तो मतलब पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो अगर मैं इसका ग्राफ, अगर इसको हम दिखाएं नंबर लाइन पर, t equals to 0 पर पार्टिकल कहां था, यहां पर था। ओके, t को अगर मैं 2 पुट करूंगा तो पार्टिकल कहां पर होगा, 0 पर होगा, ओरिजिन पर होगा। अगर t को मैं 2 पुट करता हूं, अगर यहां पे अगर t को मैंने सपोज सॉरी यहां पर अगर मैंने 0 पुट किया तो 4 पर है, t को 0 पुट किया तो पार्टिकल आपका कहां पर है, 4 पर। और t को मैंने अगर 2 पुट किया तो पार्टिकल कहां पर है, 0 पर है। और t को अगर मैंने से 4 पुट किया, अगर यहां पे 4 पुट किया तो पार्टिकल कहां है, 4 minus 2 is 2, 2 का स्क्वायर is 4, तो पार्टिकल अगेन कहां पहुंच गया, यहां पर। तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल पहले यहां से यहां गया और उसके बाद उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी और वो पार्टिकल अब यहां जा रहा है। तो इसमें आप एक और चीज देख सकते हैं, अगर मैं इसकी एक्सेलरेशन की बात करूं, चलो एक्सेलरेशन देख लेते हैं। तो यहां पे आपको समझ तो आ गया कि जो डिस्टेंस कवर होगा पार्टिकल का दैट विल बी 8 मीटर, और यहां से यहां तक 4, यहां से यहां तक 4, 4 प्लस 4 8, सो द डिस्टेंस कवर विल बी 4 प्लस 4 दैट इज 8 मीटर। सो मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, यहां पर एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या होगी यहां पर, दैट विल बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर एक्सेलरेशन कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो एक्सेलरेशन है आप इससे भी क्वेश्चन कर सकते हो, आपको पता है कि इनिशियली पार्टिकल यहां पर है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो आप डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट आपकी 0 आएगी 4 सेकंड में। कैसे आएगी जरा देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0 पर, इनिशियल वेलोसिटी वाज 0 माइनस 4, सो जो v इनिशियल था एट t इक्वल्स टू 0 वाज माइनस 4 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो डिस्प्लेसमेंट आपकी 0 आएगी, देखो डिस्प्लेसमेंट विल बी ut दैट इज माइनस 4 * 4, ठीक है, and the acceleration was 2 into 4, ठीक है, 2 a s, क्लियर ना, s equals to ut plus half a t square, so you can see it comes out to be 0, okay, तो आप analyze कर सकते हो किसी भी problem को किसी भी तरह से। तो दिमाग में याद रखना, जब भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो हमें ये करना पड़ता है, और कई बार यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केसेस में भी आपको ऐसा फंक्शन दे सकते हैं और यहां से आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं बाय डबल डिफरेंशिएटिंग दिस पर्टिकुलर फंक्शन। तो ये हो गया हमारा। अब बच्चों हम देखते हैं एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ता है टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड अदर थिंग्स। ये अब देखते हैं हम एरिया अंडर द ग्राफ से हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। सपोज अभी मैंने आपको बताया था कि जो वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेशन है दैट इज dv बाई dt, और आपको पता है कि जो dx बाई dt है दैट इज योर वेलोसिटी। तो अगर मैं इस वाले को देखूं तो यहां पे आप लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू v dt, और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं से टाइम फ्रॉम सम टाइम t1 टू t2, तो यहां से आपको क्या मिल जाता है, आपको मिलता है नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट।
यहाँ मैग्नीट्यूड ले देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, वी डी टी, अगर आपको वी दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और अगर आप उसका एरिया अंडर द कर्व निकाल लें जो हमने डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ा था, तो आप निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। तो ये पार्टिकल है यहां से यहां तक गया, जिससे दिस इज 5 एंड दिस इज 5, फिर यहां से यहां दिस इज आल्सो 5, फिर यहां पर दिस इज 10, यहां पर 10 हो गया और यहां पर आपका 15 हो गया, ठीक है। तो यहां पर दिस इज योर वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड एंड दिस इज योर टाइम इन सेकंड। Now we have to find what is the displacement of the particle from 0 to 15 second. So आपने क्या करना है, you have to find the area under the curve. तो ये आप देख सकते हैं कि एक trapezium बन रहा है, trapezium का area आप सभी को पता है half into sum of parallel side into distance between parallel side. तो यहाँ पे जो parallel side है बच्चों, ये और ये, इसका इसकी length कितनी है 15, इसकी length कितनी है 10 minus 5 that is 5. तो इसका जो एरिया होगा और आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट विल बी हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, दिस इज 10 माइनस 5 5 प्लस 15 माइनस 0 दैट इज 15 इनटू हाइट बिटवीन द पैरेलल साइड दैट इज 5, सो इट कम्स आउट टू बी योर 20, सो इट विल बी 50 मीटर। ओके, तो इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल विल रिमेन सेम, इतना ही होगा, 50 डिस्टेंस भी इतना होगा, डिस्प्लेसमेंट भी इतना ही होगा। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया डिस्प्लेसमेंट का। अब क्या होता है, कई बार आपको क्वेश्चन में दिया होता है इस तरह से कि पार्टिकल यहां से यहां गया, से दिस इज 5 और उसके बाद ऐसा हो गया, ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव साइड में भी गई। Say this is your 10 and this is your 15. Say this is your 5 and this is your minus 5. अब इस केस में आपसे पूछते हैं what is the displacement? तो बच्चों इसमें अगर आप एरिया देखें, एरिया अंडर द कर्व, एक तो ये हो गया, और जो नेगेटिव में जा रहा है ग्राफ हमारा, जो बिलो टाइम एक्सिस है उसका जो एरिया है वो यहाँ पर ही आ रहा है। तो अब यहाँ पर कैच क्या है, आपने क्या करना है, जो एरिया अबव टाइम एक्सिस है उसको लेना है पॉजिटिव, और जो एरिया बिलो टाइम एक्सिस है उसको लेना है नेगेटिव। तो इस केस में क्या आएगा आपका, तो इस पर्टिकुलर केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगी दैट विल बी, अब ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है, पहले इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, दिस इज 5 एंड दिस इज 10, 5 प्लस 10 टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड दैट इज 5। अब इसको लेना है हमें नेगेटिव, माइनस ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये कितना हो गया 15 माइनस 10 दैट इज 5, इसकी हाइट कितनी है 5, सो दैट इज द आंसर। तो ये क्या बन गया 1/2, 15 प्लस 5 75 माइनस 25, सो इट कम्स आउट टू बी 25 मीटर। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, और कई बार आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी दे सकते हैं। सपोज आपको ऐसे दे दिया, एक और क्वेश्चन देखो, दिस इज योर एक्सेलरेशन एंड दिस इज योर टाइम, सिर्फ आपकी जो एक्सेलरेशन यहाँ पे ये 10 है और यहाँ पर ये 11 सेकंड है, और आपसे पूछते हैं पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द पार्टिकल। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, पार्टिकल यहां पर क्या था, जीरो वेलोसिटी थी उसकी, और फिर वो एक्सेलरेट करता है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव कब तक है, 11 सेकंड तक, तो यहां तक वो एक्सेलरेट कर रहा है। ओके, तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर आएगी, 11 पर आएगी, इस पूरे इस ड्यूरेशन में 0 से 11 के बीच में उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, 11 तक, 11 पर उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, बिकॉज पार्टिकल आपका कॉन्टिन्यूसली एक्सेलरेट कर रहा है।
बिकॉज एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव बिटवीन 0 टू 11. तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज dv / dt और एंड dv इज रिटन एज a dt. तो अगर मैं इस ग्राफ का इंटीग्रेशन कर लूं, मतलब अगर मैं एरिया अंडर दिस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकाल लूं, तो वहां से मुझे मिल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी. तो आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है. तो यहां पर राइट हैंड साइड विल बी एरिया अंडर दिस कर्व. तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. तो हाफ इनटू 10 इनटू 11 दैट इज 55. तो इस तरह से एरिया अंडर ग्राफ से आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं. तो बच्चों ये हो गया हमारा एरिया अंडर द कर्व. आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर क्लियरली समझ आया होगा. और नेक्स्ट में बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें इसके कंसेप्ट तो लगने ही लगने हैं, कुछ एडवांस कंसेप्ट भी लगेंगे. तो कल नेक्स्ट वीडियो में हम उसको करेंगे. इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.